अब हम आते हैं सॉर्टिंग पे। सॉर्टिंग क्या होती है? सॉर्टिंग का मतलब है कि एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। तो बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक है, हम सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट के बारे में बात करेंगे। सिलेक्शन सॉर्ट का जो लॉजिक है वो इस तरीके से है कि आपको, मान लीजिए आपके पास ये लिस्ट है पूरी, एग्जाम्पल से समझते हैं, ये पूरी लिस्ट है। इसमें करना क्या है कि पहले एलिमेंट को आप मान लीजिए कि ये सॉर्टेड है, उसके बाद आपके पास एक अनसॉर्टेड लिस्ट है, ये अनसॉर्टेड लिस्ट है। तो आपको करना ये है कि शुरुआत में तो पहले एलिमेंट से करेंगे और फर्स्ट एलिमेंट को यहां पर जो सबसे छोटा एलिमेंट है, मिनिमम अनसॉर्टेड लिस्ट में, अभी फिलहाल हमारी पहली पहली बार में लिस्ट अनसॉर्टेड है, तो जो सबसे छोटा एलिमेंट है ये चार सबसे छोटा ही है ना, इसको हम 10 से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि 10 इधर पे ले आएंगे, यानी स्वैपिंग होगी। ठीक, तो चार यहां पर आ गया, 10 यहां पर आ गया। अब देखिएगा कि इस केस में, अब इस केस में यहां 10 आ चुका है, पांच, अब नेक्स्ट वाले में सब क्या होगा, ये पांच सबसे कम हो जाएगा। पांच को किसे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि पांच को रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं है, पांच अपने आप छोटा है, तो पांच इस जगह पे आएगा, क्योंकि पांच अपनी सही पोजीशन पे है, इट इज इन गुड पोजीशन। अगले में हम जाएंगे, हमारे पास अनसॉर्टेड लिस्ट ये है, सबसे छोटा लेंगे कौन सा, छह। छह को फर्स्ट जो अनसॉर्टेड लिस्ट में जो पहला है, ये सॉर्टेड लिस्ट बन चुकी है, ये सॉर्टेड लिस्ट है, ये सॉर्टेड लिस्ट बन चुकी है, तो हम क्या करेंगे, छह को इधर लाएंगे, 19 को इधर लाएंगे, यानी स्वैप कर देंगे। नेक्स्ट में क्या होगा, छह आपका इधर आ गया, 19 इधर आ गया। अब छह इधर जैसे आया तो आपकी ये चार पांच छह एक सॉर्टेड लिस्ट बन गई। अब ये बच गया, राइट। अब इसमें क्या होगा, इस वाले केस में यहां पर देखिए कि सबसे कम कौन सा है, सबसे कम 10 है, तो आपको 10 को इधर करना पड़ेगा, 19 को इधर करना पड़ेगा, यानी कि 10 अब सही पोजीशन पे आ गया है, 10 को इधर लगा देंगे, ये सॉर्टेड लिस्ट है। फिर अनसॉर्टेड लिस्ट में ये बच जाएगा, इसका मतलब ये है कि अभी आपके पास 15 है, उसको इससे रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि इसको स्वैप करना पड़ेगा। जो पहला एलिमेंट होता है उससे इन सबका मिनिमम एलिमेंट स्वैप करते हैं, तो आप 15 इधर आ जाएगा, 19 यहां आ जाएगा, अब 15 अपनी सही पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अब अगले में क्या होगा कि 15 ये तो सॉर्टेड लिस्ट बन गई, अब 18 19 है, 19 इधर आएगा, 80 इधर आएगा, जैसे 19 80 इधर आ गया तो 19 इस पे लग जाएगा, ये सॉर्टेड लिस्ट हो गई। अब देखिए 80 बचा, 80 का कंपैरिजन नहीं है तो 80 लास्ट में रहेगा, तो ये इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में बनेगा। इस कोड में, यानी कि जो सिलेक्शन सॉर्ट होगा, अगर आप इसको इंप्लीमेंट करने चले तो आपके दो नेस्टेड लूप बनेंगे। पहला जो बाहर का लूप है, जो आउटसाइड बाहर का लूप है, वो देखेगा, वो ट्रैक करेगा जो पोजीशन है जिसको स्वैप करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, कौन सी वैल्यू को स्वैप करना है, यानी कि वो इसको ट्रैक कर रहा होगा, इस वैल्यू को, राइट, इन वैल्यू को ट्रैक कर रहा होगा, राइट। एक तो ये हो गया। अब फिर अंदर का लूप आते हैं, अंदर का लूप जो स्टार्ट करेगा करंट पोजीशन से, जो पोजीशन करंट है, और बाकी एलिमेंट को स्कैन करेगा, यानी कि अब मान लीजिए कि यहां पर आपको स्कैन करना है, तो ये तो सॉर्टेड हो गई ना, तो आप तो इधर आपको जाना ही नहीं है, आपको यहां पर जाना है और यहां पर देखना है कि मिनिमम कौन सा है, और मिनिमम एक तो इसको ट्रैक कर ही रहा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है सॉर्टेड लिस्ट का, और दूसरा जो है वो इसमें से मिनिमम निकालेगा, मिनिमम निकाल के उसको स्वैप करेगा। तो इस तरीके से दो लूप चलेंगे आपके, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू भी निकालना है, जब स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल जाएगी तो स्वैप करना, स्वैप कर देना पड़ेगा आपको। तो अगर इसका हम एल्गोरिथम देखें तो कैसे हो रहा है, देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस लिस्ट से, ये जीरो वाला जो एलिमेंट है इसको हम स्मॉल मानते हैं, उसके बाद हम एक लूप चला रहे हैं जो एक लूप बाहर का लूप है, ध्यान दीजिएगा, एक फॉर का लूप बाहर है, एक फॉर का लूप अंदर है। फॉर का लूप जो हो रहा है वो यहां से लेकर यहां तक चला रहे हैं, और उसके बाद हम कहेंगे कि जो जो आइटम है, क्योंकि जीरो से शुरू किया, ये पहला सबसे पहला यही हो गया, उसके बाद इस पोजीशन के हिसाब से, क्योंकि आई बढ़ता रहेगा हर बार, पोजीशन आई चेंज होगी, एक एक करके बढ़ाते रहेंगे आप, और फ्रॉम जे टू जे जो होगा वो करंट पोजीशन पे, यानी कि ये जो आई है ये ट्रैक कर रहा है, क्योंकि जब ये सॉर्टेड हो गया तो ये यहां बढ़ जाएगा, तो इसको नहीं सर्च करना है, फिर यहां बढ़ जाएगा तो ये सर्च नहीं करना, केवल इसी पर जाना है। तो अब हर एक एलिमेंट को, जो जे एथ एलिमेंट है, इसके आगे जो भी इसके आगे है, क्योंकि जे पूरे वहां तक चल रहा है, यू तक, मतलब इस पोजीशन से यहां तक चलेगा, और हर एक एलिमेंट को देखेगा कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, जो उसे स्मॉलेस्ट मिल जाएगा, मतलब एक एक वैल्यू को मैनेज करके वो, और चेक करके देखेगा कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, जैसे स्मॉलेस्ट मिला इसको तो जो पोजीशन इसके पास आ जाएगी,
अब देखिएगा जे पोजीशन का अभी ये पोजिशनल वैल्यू हमको मिल गई कि ये स्मॉलेस्ट है। फिर हम क्या करेंगे कि ये जो पोजीशन है स्मॉलेस्ट की और जो फर्स्ट पोजीशन है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन भी हमारे पास है आई, ये फर्स्ट पोजीशन है, इसको क्या करेंगे हम स्वैप करेंगे, यानी कि एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे। स्वैप कैसे करते हैं, जैसे एक्स वाई और एक्स और वाई को स्वैप करना है तो एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू टी में डाल देते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू हम टी में डालेंगे, फिर हम टी की वैल्यू, फिर वाई की वैल्यू एक्स में डाल देंगे, फिर टी की वैल्यू वाई में डाल देंगे टेम्पररी की, वो यहां पर किया हुआ है, तो अब स्वैप कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा जो कोड है वो एक तरीके से सिलेक्शन सॉर्ट का कोड है। अब देखिएगा आप यहां पर, हम अगर इसको कोड पे देखना चाहें तो हम सिलेक्शन सॉर्ट लेंगे, मतलब बेसिक कोड जो आपका पाइथन में लिखा जा सकता है, किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप, पाइथन में जैसे लिखा जा सकता है। आप डेटा लिस्ट लेंगे, ये जो लिस्ट आ रही है फ्रॉम आई टू रेंज, मतलब पूरे एंड तक चलेंगे। मिनिमम आपने कहा पहला वाला एलिमेंट, अच्छा आई हमेशा वेरी करेगा, पहले जीरो होगा फिर वन होगा फिर टू होगा, इस तरीके से वेरी करेगा ना। सबसे पहले तो ये मिनिमम होगा, फिर अगले बार यहां हो जाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो एक लूप होगा उसके अंदर जाएंगे, अंदर वाला लूप ये चेक कराएगा कि मिनिमम कौन सा है और मिनिमम वैल्यू हमको बता देगा, और फिर जो मिनिमम है उसको हमको स्वैप करना पड़ेगा आईएथ वैल्यू से, यानी इस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अनसॉर्टेड लिस्ट। तो इस तरीके से स्वैपिंग हो जाएगी। बबल सॉर्ट क्या करता है, बबल सॉर्ट का मतलब समझिएगा, नाम कहां से आया है। अगर ये एक मान लीजिए एक बकेट है, यहां पर पानी है या कोई भी फॉर्म है, यहां पर आपका बबल है, तो बबल क्या होता है, ऊपर जाता है ना। तो बबल सॉर्ट का मतलब ये होता है कि एक इटरेशन में, मतलब एक गो में आपका हाईएस्ट एलिमेंट जो है वो अपनी पोजीशन ले लेगा, तो अगली बार क्या करना है, उस हाईएस्ट पहले इटरेशन में जो हाईएस्ट पोजीशन ले लेगा तो उस एलिमेंट को छोड़ देना, फिर बाकी सबके साथ फिर से बबलिंग करनी है। फिर उसके बाद क्या होगा कि सेकेंड इटरेशन में दूसरा एलिमेंट जो होगा, जो हाईएस्ट एलिमेंट होगा पहले से कम, वो अपनी पोजीशन ले लेगा, फिर उसको छोड़ के, उन दोनों को छोड़ के फिर दोबारा इटरेशन करना है। तो ये तरीका है इसमें। इसमें क्या होता है कि हर एक एलिमेंट, मतलब हर एक एलिमेंट को दूसरे बगल वाले एलिमेंट से या नेबरिंग एलिमेंट से चेक कराते हैं, और यदि वो कंपेयर करते हैं छोटा या बड़ा है, उस हिसाब से उसे स्वैप कर देते हैं, यानी कि पोजीशन चेंज कर देते हैं। मैं समझाता हूं एक एग्जांपल लेके। देखिए आपके पास ये एक एलिमेंट है, लिस्ट है, आप क्या करेंगे, हर एक को उसके बगल वाले से चेक कराएंगे, जैसे 90 को 11 से। अब देखिए 90 और 11 में 11 छोटा है 90 बड़ा है, तो 90 इज लेस देन 11, तो आपको इसको स्वैप करना पड़ेगा, आपको इसको स्वैप करना पड़ेगा, यानी कि 11 को आपको इधर लाना पड़ेगा, 90 को इधर लाना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया पहला। फिर उसके बाद 90 को 46 से चेक कराएंगे, 90 46 में अगेन 90 जो है वो ये बड़ा है, 90 बड़ा है 46 से, तो इसको इधर करना पड़ेगा, 46 को इधर करना पड़ेगा, यानी 46 इधर आएगा 90 इधर आ गया। अब अगली बार इस 90 को चेक कराएंगे 110 से, मतलब बगल वालों से चेक कराते रहेंगे इस एलिमेंट को, 90 को 110 से कराएंगे तो आप देखेंगे 110 तो सही पोजीशन पे है, तो इसमें कोई स्वैपिंग नहीं होगी। फिर 110 को 68 से कराएंगे, 110 को 68 से कराएंगे, देखेंगे 110 तो बड़ा है, तो 110 को स्वैप करना पड़ेगा 68 से, तो 110 यहां पर आ जाएगा, 68 यहां चला जाएगा। फिर 110 को 51 से चेक कराएंगे, 51 से चेक कराएंगे तो देखेंगे अरे 110 तो बड़ा है, तो आप 110 को यहां करेंगे, 51 को यहां कर देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे 110 को 80 से चेक कराएंगे, 110 80 से बड़ा है तो 110 इस पोजीशन पर आ जाएगा, 80 इस पोजीशन पर आ जाएगा। ये देखिए ये सारी चीज बताई गई है कि 110 यहां आया, फिर 110 यहां आएगा, फिर 110 यहां आ जाएगा। तो एक इटरेशन में आपको हाईएस्ट वैल्यू यहां मिल जाएगी। अब नेक्स्ट वाले में क्या करना है, नेक्स्ट वाले में यहां 110 जो आपका आया है ये वाला दिस वन, इसको छोड़ देना है बस, बाकी यहां से यहां तक आपको चेक करना शुरू करना है। फिर से वही काम होगा, 46 को हम, ये सॉर्टेड लिस्ट हो गई और ये अनसॉर्टेड है, तो अगली बार क्या करेंगे, 46 को 90 से चेक कराएंगे, 90 सही पोजीशन में, 90 को 68 से कराएंगे, 90 को यहां करना पड़ेगा, 68 को यहां करना पड़ेगा, फिर 90 को 51 से कराएंगे, 90 यहां आ जाएगा, 51 यहां आ जाएगा, फिर 90 को 80 से कराएंगे, 90 यहां आ जाएगा, 80 यहां चला जाएगा। तो 90 और 110 आ गया, यानी कि सॉर्टेड लिस्ट सेकंड टाइम में ही आ गई। अब इसको आपको नहीं छेड़ना है, करना यहीं पर है आपको, फिर इसके साथ फिर यही करना है। तो ये करते 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 आप देखेंगे कि आपकी फाइनल लिस्ट ये आ गई। अब सिचुएशन ये है कि हर बार एक फाइनल और हाईएस्ट नंबर आपका दाएं में आ जाएगा और ये हमेशा आता रहेगा। तो जब ये कोड चलेगा तो इसमें देखिएगा हो क्या रहा है, हम पहले छोटे से लेकर एल से लेकर यू तक जा रहे हैं, उसके बाद हम अंदर वाला लूप जो है वो इसलिए करा रहे हैं एल से लेकर यू माइनस वन माइनस आई,
क्यों? क्योंकि हमारा ये जो एलिमेंट है, एक फर्स्ट फर्स्ट बार जब आ गया तो पहले तो आई जीरो रहेगा, यानी कि हम यू तक ही जाएंगे, फर्स्ट में तो यू तक ही जाएंगे। सेकंड में क्या होगा? माइनस आई, यानी ये अब जब वन हो जाएगा तो इसका मतलब यू, मतलब जो भी आपका अपर बाउंड है माइनस वन, यानी इसको नहीं फिर छेड़ेंगे। फिर अगली बार आई टू हो जाएगा तो ये दोनों आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों हाइएस्ट हो गए, फिर इनको नहीं छेड़ेंगे। इसलिए ये जे जो है वो एल से लेकर लो से लेकर यू माइनस वन, यानी कि अपर बाउंड, इसको यू भी मान सकते हैं अभी फिलहाल, यू माइनस आई। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, हर एक एलिमेंट को, हर एक जे को जे प्लस वन से, मतलब इसको इससे ऐसे चेक कराते रहेंगे, और अगर इसमें लगता है कि हाँ इससे बड़ा है तो स्वैप करा देंगे। बस ये चलता रहेगा आपका एल्गोरिथम इस तरीके से। अगर प्रोग्राम देखना है पाइथन में तो इसमें क्या होगा कि बबल सॉर्ट लीजिए, एक नाम लीजिए, डेटा लिस्ट पास करिए, आई और जे को जीरो लीजिए, फिर पहला लूप चलाइए जो आई होगा इस लेंथ तक, जे होगा इस लेंथ माइनस आई तक, इस आई तक, क्योंकि हमको जो सॉर्टेड लिस्ट बन गई है दाएं हाथ पे उसको फिर वो नहीं करना है, जो जो ऑलरेडी सॉर्टेड है उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उसमें कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे। फिर उसके बाद चेक कराना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और उस हिसाब से आपको यहाँ पर स्वैपिंग करा देनी है, फिर प्रिंट करा देना है उस लिस्ट को। तीसरी जो लिस्ट या सॉर्टिंग तरीका है लिस्ट का, उसे हम कहते हैं इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है? आपने पत्ते जरूर देखे होंगे जो 52 डेक ऑफ कार्ड होते हैं, उसमें क्या करते हैं कि हम हमारे हाथ में अगर पत्ते हैं तो हम देखते हैं कि सही पोजीशन क्या है, वहां जाके इंसर्ट करते हैं इसको। ओके, अब जैसे हमने सिलेक्शन सॉर्ट में देखा या हमारे बबल सॉर्ट में देखा, सिलेक्शन में हमने क्या किया था कि जो अनसॉर्टेड लिस्ट है उसमें मिनिमम नंबर लेके अनसॉर्टेड लिस्ट के पहले से उसे रिप्लेस कर देते हैं। अब हम यहां पर क्या करेंगे, इंसर्शन सॉर्ट और इस सिलेक्शन सॉर्ट में अंतर ये है, पहला लूप तो यही काम कर रहा है। पहला लूप अगर हम देखेंगे कि पहला काम क्या कर रहा है तो इंसर्शन सॉर्ट जैसे ही काम कर रहा है, लेकिन यहां पर जो दूसरी चीज है, जैसे इंसर्शन सॉर्ट डू नॉट सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट पुट इट इन टू अनदर प्लेस इन दैट प्लेस, यानी कि इंसर्शन सॉर्ट में हम हमेशा अनसॉर्टेड लिस्ट के में मिनिमम निकाल के उसको अनसॉर्टेड लिस्ट, ये सॉर्टेड है या अनसॉर्टेड है, अनसॉर्टेड लिस्ट के पहले इसमें रख देते थे, राइट। और यहां पर इंसर्शन सॉर्ट में जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा राइट में, वो उसको सिलेक्ट करते हैं जो अभी तक सॉर्ट नहीं हुआ, फिर वो स्लाइड करेगा तब जब तक उसकी सही पोजीशन नहीं मिल जाएगी इनटू सॉर्टेड पर। अगर हम यहां पर हमने यहां एलिमेंट कर दिया, अब ये स्लाइड करेगा अपनी जगह पे। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए आपके पास एक अनसॉर्टेड एरे है, इंसर्शन कैसे हो रहा है देखिए, ये अनसॉर्टेड एरे है तो पहला एलिमेंट 70, इसको कंपेयर करेंगे हम 49 से। अब देखें 70 और 49 में क्या है, ये तो 70 इधर आएगा 49 इधर आएगा, ये हो गया आपने कर दिया। अब यहां देखिएगा कि ये करते ही साथ जो तीसरा एलिमेंट है इसको अगर हम कंपेयर करें 70 से तो इसकी पोजीशन यहां बनती है, तो इसको स्वैप कराना पड़ेगा आपको, राइट। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये इस सिचुएशन के बाद 70 यहां आ गया, 31 यहां आ गया, फिर 31 को हमने स्वैप किया यहां, लेकिन अब 31 अभी भी सही पोजीशन पे नहीं आया, तो लेफ्ट फ्लो में ये चल रहा है कि 31 इधर आया 70 को इधर किया, 31 इधर आया 70 को इधर करने के बाद 31 इधर भी जाएगा, इस 41 को भी चेक, 49 को भी चेक करेगा, ताकि जब तक ये फ्लो ना कर जाए अपनी सही पोजीशन पे। आप समझ गए, अब ये सही पोजीशन ही हुई। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, नेक्स्ट जो है 6, इसको हम स्वैप करेंगे किससे, 70 से। देखिएगा ये 6 है, अब ये वाला अपनी पोजीशन पहुंच गया। अब 70 और 6 को चेक करेंगे, 6 और 70 में क्या होगा कि 6 इधर आएगा 17 यहां आएगा, ये स्वैपिंग हो जाएगी, लेकिन अब 6 को सही पोजीशन पे जाना पड़ेगा। 6 कंपेयर होगा 49 से, वो स्वैपिंग होगी, 6 कंपेयर होगा 31 से, फिर उसकी स्वैपिंग होगी, 6 फ्लो करेगा अपनी पोजीशन पे। ओके, इसी तरीके से आप 65, अब जब 70 आ गया तो 70 65 को कंपेयर कर लीजिए, 65 अपनी जगह पे आ जाएगा। अब ये इससे 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 कंपेयर होगा, लेकिन ये अपनी फ्लो करने की जरूरत नहीं क्योंकि अपनी सही पोजीशन पे है। फिर 70 को आप 15 से कर देंगे, जैसे ही 70 यहां आएगा और 15 यहां आ जाएगा, अब 15 को फ्लो करना पड़ेगा अपनी पोजीशन पे, इधर पे आएगा ये, तो ये अपनी पोजीशन पे आ गया। फिर आप 70 को कंपेयर करेंगे 51 से, 51 इधर आएगा, 70 यहां आएगा, 51 अपनी जगह फ्लो करेगा, इधर पे आके रख जाएगा। तो आप ये देखिए कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो इंसर्शन सॉर्ट है अपनी लिस्ट को भी दो भाग में डिवाइड कर रहा है, एक सॉर्टेड है एक अनसॉर्टेड है। इसमें भी यही हो रहा है, हर एक राउंड में जो बाहर का लूप है, जो बाहर का इटरेशन है, जो एल्गोरिथम सबसे पहले क्या करता है, जो नेक्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट को पकड़ता है और उसको अपनी जगह पे फिट कर देता है।
जैसे हम पत्तों में खेलते हैं ना, अपने हमने पत्ता जो है सही पोजीशन पे डालना है। और अभी हम एक कोड देखने वाले हैं जिसमें वेरिएबल के है जो बाउंड्री बताएगा जो सॉर्ट और अनसॉर्टेड के बीच में, यानी कि सॉर्ट और अनसॉर्टेड के बीच में एक के चलता रहेगा, ये एक बाउंड्री बताएगा यानी कि ये पोजीशन चलेगा, इसको हम देखेंगे। और फिर क्या ये सॉर्टेड और अनसॉर्टेड के बीच में आपको बताएगा जगह क्या क्या है, किस पोजीशन पे है। फिर क्या होगा कि ये जो के है इससे आप एक एक पॉइंटर पीटीआर चलाएंगे जो ये लेफ्ट में जाएगा, के लेफ्ट में जाएगा। अब यहां पर देखना इंसर्शन सॉर्ट पीटीआर जो होगा वो बाएं हाथ की तरफ जा रहा है, लेफ्ट हब की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ नहीं जा रहा है। और हर एक सेल लोकेशन जो की वैल्यू से ऊपर होगी तो टेम्प ये इस जगह पे जाएगा, जैसे हम ये भी तो करना है, इससे भी कंपेयर करना है, और जब कंपेरिजन के बाद जो वैल्यू आएगी उसको सही जगह पे पोजीशन भी डालना है। तो जब लूप ये देखेगा कि लोकेशन किसी वैल्यू से कम है तब वो रुकेगा और फिर उसके बाद वो लेफ्ट में जाएगा। देखिए मैं आपको इसके एल्गोरिथम से समझाता हूँ। एल्गोरिथम में क्या हो रहा है, हम सीटीआर जीरो लेके चल रहे हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से समझिए हम के वन से शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये इसका इससे कंपेरिजन होगा, तो यहां से शुरू कर रहे हैं, इसका इससे कंपेरिजन होगा। फिर हम क्या करेंगे कि जो डेटा लिस्ट है उसको हम टेम्प में डाल देते हैं अभी, फिर के माइनस वन, के माइनस वन। और ये स्टेप हमको बार बार चलाना है, क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे जो पीटीआर है, अगर टेम्प जो भी वैल्यू जो हमने टेम्प में डाली हुई है ये वाली वैल्यू, ये इससे कम निकलती है या ये जो डेटा लिस्ट की वैल्यू जो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वो उससे ज्यादा निकलती है, तो हम इसको पोजिशन चेंज करेंगे, पीटीआर को पीटीआर प्लस वन पे डालेंगे, फिर पीटीआर को घटाते रहेंगे और फिर फाइनली जो टेम्प है उसको पीटीआर प्लस वन में डालेंगे। अगर इसको प्रोग्राम में देखें तो इंसर्शन सॉर्ट कैसे होगा, डेटा लिस्ट डाला आपने, के लिया और वन से लेकर एंड तक चलाया, टेम्प में के को जो भी के आप मैंने बताया ना ये आपको अनसॉर्टेड के बीच की वाली वैल्यू है उसको भी टेम्प में डाल दीजिए और उसके बाद क्या करिए ये पीटीआर के माइनस वन जब तक चलाते रहिए जब तक पीटीआर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ना हो, मतलब ये इस जगह पे पहुंच ना जाए और जो पीटीआर की वैल्यू है वो टेम्प से ऊपर ना हो जाए, फिर आप उसकी वैल्यू को जो पिछली वैल्यू है उसको अगले वैल्यू से स्वैप करते रहेंगे और एक एक करके घटाते रहेंगे, यानी कि पूरी तरह बाएं में चलते रहेंगे जब तक हम जीरो पे ना आ जाए। इसलिए लेफ्ट में सारे हम मतलब वो सही पोजीशन पे जाके बैठना चाहिए और फिर टेम्प को उस पोजीशन पे डाल देंगे।